वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। और आज हम फिर से पहुंच चुके हैं पटना के जो है सड़कों पे। और अभी जिस जगह से हम जा रहे हैं वो भूतनाथ है, और भूतनाथ NH 30 है। और गाइज आज जो है काफ़ी दिनों के बाद जो है हम भूतनाथ के पास वाला जो पटना मेट्रो है उसका अपडेट देने आए हुए हैं। तो काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है, तो चलिए यहाँ से हमारा जो है भूतनाथ का जो पटना मेट्रो का जो काम है वो शुरू हो जाता है, जैसा कि आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे पिलरों की संख्या तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये साइड का जो पिलर्स थे वो भी अब जो है धीरे धीरे अपना ये जो अंडरपास था, अंडरपास के पास भी अगर बात करें तो अंडरपास के पास थोड़ा पिलर की संख्या जो है कम है, क्योंकि यहाँ पे अभी बन ही रहा है दोस्तों। तो वहाँ पे अगर बात करें तो वहाँ की पिलरों की संख्या थोड़ा कम पड़ जाती है, बट अगर आगे की बात करें तो लगभग पिलर हमें लगता है कि ऊपर आ चुका है। अगर थोड़ा बहुत अगर छोड़ दें तो मेरे ख्याल से सभी पिलर्स जो है अब अपने जो इलास्टिक पॉइंट होती है, यानी कह सकते हैं सबसे जो ऊपरी भाग होता है, वहाँ तक पहुँच चुकी है गाइस। और हम ये साइड से चलेंगे क्योंकि ये साइड से थोड़ा सा तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना है। इस साइड से क्लियर आपको देखने के लिए भी मिलेगा। और अगर नीचे की बेस की बात करें तो इस तरह से जो है नीचे का बेस होगा, जैसा कि आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। और इधर साइड से अगर देखें तो पिलर का जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार हो जाता है, क्योंकि वो साइड से जो है सिर्फ बोर्ड लगा हो, जिसके कारण आपको देखने के लिए नहीं मिलता है उतना क्लियरली। बट ये साइड से देखें तो सारे पिलरों के पास नीचे का जो बेस था उसको भी जब चौड़ा किया जा रहा है, और कुछ पिलरों की संख्या जो है अभी देख नहीं पा रहे हो कि अभी नहीं हुआ है। ये सब पिलरों की जो है देख रहे हैं कि अभी कंस्ट्रक्शन अभी नहीं हुआ है, बट अब धीरे धीरे लगभग पिलर कंप्लीट ही होने वाले हैं। और जैसा कि आपको देखने के लिए ये साइड से मिल ही रहा होगा, तो गाइज अगर बात करें हम पटना मेट्रो की तो पटना मेट्रो अपना जो है पैर पसार चुका है, कैसे कह सकते हैं। और जैसा कि गाइज वो साइड से आप देख पा रहे थे कि किस तरह से जो है हम लोग देख पा रहे, क्योंकि आगे से रास्ता इसमें एंट्री का नहीं है, इसलिए वहाँ से हमको ये साइड आना पड़ा। तो ये साइड से अगर बात करें तो ये साइड से भी देखिए काफ़ी सारे पिलरों की संख्या बनी चुकी है, और हम लोग जो है 0 माइल के पास पहुँचने वाले हैं। तो 0 माइल के पास पहुँचते तक हमें लगता है कि लगभग पिलर जो है कम्प्लीट हो गया, तो काफ़ी अच्छी बात है। पटना मेट्रो का जो काम है, ये साइड का बेस का जो काम है वो कंप्लीट कर दिया जा रहा है, तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी है आपको मिलने वाली है कि कम से कम बेस तो क्लियर हो जा रहा है। और जब बेस क्लियर हो जाएगा तो भाई ऊपर वाले पार्ट्स को जो है क्लियर होने में ज़्यादा टाइम्स नहीं लगने वाला। और यहाँ पे जाम का सामना, ज़बरदस्त जाम लगने वाला है ये। और देखते हैं कि आगे मेरा बाइक निकल पाता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम लोग आगे जा पाएंगे। आगे पूरा जाम है, पुल भी निकल रहा है बाइक। तो गाइस यहाँ पे जो है काफी ज्यादा बड़ा जाम का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए इस तरह से साइड से थोड़ा सा रास्ता है जिससे हम लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं। और यहाँ पे भी देखिए इस तरह से हम तो पटना मेट्रो का अपडेट देने आए थे, बट यहाँ पे देखिए कितना भयानक वाला जाम देखने के लिए आपको मिल रहा है। और साइड से थोड़ा सा रास्ता है जिससे हम पास कर रहे हैं, और देखते हैं। और यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्ट नगर के पास ये है, और यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे भी जो है इस तरह से पिलर का निर्माण कार्य चल रहा है गाइस। तो कुछ जो पिलरें हैं उसका निर्माण का 0 माइल के पास चल रहा है। और अब हम यहाँ से जो है टर्न लेंगे वो साइड में, और वो साइड में आपको जो है दिखाएंगे जो वो साइड का क्या अपडेट है। तो इस तरह से देखिए इधर का निर्माण कार्य चल रहा,
काफ़ी ज़्यादा जाम के बीच में ये वाला जीरो माइलों के पास वाला ये सब जो पिलर है उसको कंप्लीट किया जा रहा है। तो गाइस यहाँ पे देखिए वर्कर सब काम भी कर रहे हैं और यहाँ से तो हिलने का भी जगह लगता है। काम तो जबरदस्त वाला है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए अपडेट के साथ पटना मेट्रो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।